उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। अहमदाबाद से बड़ी खबर। अपना जीवन निर्वाह करने वाले आज शाम 5:30 बजे एएमसी के कैश डेस्क ने मणिनगर रेलवे स्टेशन के सामने राजरत्न आर्केड के बाहर संचालित होकर कई सड़कों पर पथराव कर रिक्शा ट्रक आदि लोड करके अपना जीवन यापन करके करने वाले रेहड़ी पटरी वालों का सामान एकत्र किया गया। अहमदाबाद से इस रिपोर्ट को विस्तार पूर्वक हमारे साथ जुड़ गए हैं केऊर ठक्कर जी। जो हम केऊर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। आज का जो ये घटना घटी है अहमदाबाद के अंदर, वो क्या घटना है, जरा विस्तार पर बताइए जरा। ये मणिनगर रेलवे स्टेशन के पास एक पूरा मार्केट लगता है, जहाँ सब्जी वाले रहते हैं और स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह लोग रहते हैं, और उनके विरोध में जो कार्रवाई की जाती है एएमसी कॉरपोरेशन, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी जो दबान विभाग के होते हैं, ऐसे डिपार्टमेंट बोलते हैं, उनके कर्मचारी आए और उनकी गाड़ियाँ आई थी, जो बहुत सारे लोगों जो स्ट्रीट वेंडर वगैरह रहते हैं उनका सामान के साथ, उनकी लारियों को और उनका सामान सब लेके गए हैं जी। तो आवागमन के लिए तो दिक्कत हो रही है, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला कि भाई हमारे पास ऊपर से ऑर्डर है और ये एक घंटे के अंदर उनका दूसरा राउंड है। और पिछले कई दिनों से, दिवाली के टाइम से ये बार बार हो रहा है कि स्ट्रीट वेंडरों को परेशान किया जाता है, और एक तरफ सरकार जो है वो स्ट्रीट वेंडरों को ये योजनाओं के तहत 10-10 या 20-20 हज़ार रुपये धीरान कर रही है। तो ये क्या क्या समझा जाए, या गरीबी साफ करनी है या गरीबों को साफ करना है देश के अंदर से, ये मसला आके खड़ा रहता है यहाँ पे। तो ये आम जनता है, आम जनता के लिए या गरीबों के लिए जो रोड पे काम करके अपना गुजरान चलाते हैं, वो क्या करेंगे उनकी सुविधाओं के लिए या उनका जीवन निर्वाह करने के लिए? अगर सरकार के पास कोई योजना है तो वो कॉरपोरेशन थ्रू ये 10-20 हज़ार दे के खत्म कर रहे हैं, और यहाँ पे उनका हजारों रुपए का सामान लारी से लेके पूरा सामान भरा हुआ ये कॉरपोरेशन के लोग ले जा रहे हैं, और उनको छुड़ाने के लिए भी उनके पीछे कितने धक्के खाने पड़ते हैं और बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ती है। तो आम आदमी के लिए कौन सोचेगा? सरकार सोचेगी, वो खुद सोच रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो भी उनके लिए क्या सुविधाएँ हैं आगे, वो अभी देखना रहेगा। क्योंकि ये सरकार किस तरीके से काम कर रही है या आला अफसर किस तरीके से काम करवा रहे हैं जी, वो समझ नहीं आ रहा है जी। केऊर जी धन्यवाद, आप जुड़े हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जवल भारत न्यूज की तरफ से केऊर हमारे साथ जुड़े थे, अहमदाबाद से सीधे जुड़े थे, तो पूरा विस्तार आपको केऊर जी ने समझाया है। केऊर जी धन्यवाद बहुत बहुत।